मंचर। तो दोस्तों कल ही मैंने डिटेक्टिव पिकाचू या जासूस पिकाचू देखी और मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मेरी तरह बचपन में पोकेमोन देखते थे तो आपको ये फिल्म बहुत बढ़िया लगेगी और आपको मजा ही आ जाएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन या बच्चे हैं तो आप उनके साथ ये फिल्म देखने जरूर जाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग यहाँ मंचर मूवीज पे काफ़ी कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फैन हैं तो हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स का काफ़ी कंटेंट बनाते हैं। हम गेम ऑफ थ्रोन्स की स्क्रीनिंग भी करते हैं अपने ऑफिस में, तो अगर आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। हम लोग बाकी मूवीज़ मार्वल अवेंजर्स इन सब पर भी काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारा चैनल जरूर चेक करिए और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। कुछ ऐसे सीन्स हैं इस फिल्म में जो मेरे को देख के लगा कि ये ओरिजिनल एनिमेशन या ओरिजिनल एनिमे से इंस्पायर्ड है। तो फॉर एग्जांपल एक सीन है एनिमे में या जो पोकेमोन की फर्स्ट फिल्म है जो एनिमेटेड फिल्म थी, जिसमें पिकाचू गिर रहा होता है और काफ़ी हाइट से गिर रहा होता है और एश कैचम जाके उसको कैच कर लेता है। वैसे ही एक सिमिलर सीन इस फिल्म में भी है। जो दो लीडिंग प्लेयर्स हैं उनके जो दो पोकेमोन्स हैं या उनके जो दो कंपेनियन पोकेमोन्स हैं उनमें से एक पिकाचू है जो मेल कैरेक्टर के पास है और दूसरा जो फीमेल कैरेक्टर है उसके पास साइडक है जो ओरिजिनल एनिमे में भी ऐसा ही था। तो ये मेरे को लगा काफ़ी नॉस्टैल्जिक था, प्लस जो थीम यूज़ करी है वो ओरिजिनल थीम है और उसमें थोड़ी वेरिएशन कर दी है तो वो नॉस्टैल्जिया नेक्स्ट ही लेवल पे ले गया। दोस्तों जो स्टोरी है वो ओरिजिनल पोकेमोन मूवी पे बेस्ड है। तो स्टोरी में दिखाया गया है कि म्यूटू कैसे बना, कैसे उस पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए और किस तरह से उसने अपना पिंजरा तोड़ के बाकी पोकेमोनों को भी आज़ाद किया। दोस्तों जो फिल्म की सीजीआई है वो बहुत बढ़िया है, ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था क्योंकि अगर आप पोकेमोन देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट ही करेंगे कि वो सीजीआई अच्छी हो, ऐसी ना हो कि वो अलग ही दिखे कि उस पर वीडियो पर चिपकाया गया है। और मेरे को कुछ लगा कि दोस्तों सीजीआई ऑलमोस्ट मार्वल के लेवल की थी। कुछ पोकेमोन्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि रॉकेट रकून भी इसके आगे फेल। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात इस फिल्म के बारे में ये है कि जो ओरिजिनल पोकेमोन्स है 151 उन्हीं पे फोकस किया गया, बाकी पोकेमोन्स भी हैं पर उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अगर आपने मेरी तरह बचपन में पोकेमोन देखा था तो आपको जो फर्स्ट सीजन था उसके सारे पोकेमोन नाम से याद होंगे और मुझे उसके बाद पोकेमोन याद भी नहीं क्योंकि इतने सारे पोकेमोन हो गए, अलग अलग तरीके के पोकेमोन हो गए, पता नहीं इस चेयर पर जिस पर मैं बैठा हूँ वो भी शायद एक पोकेमोन हो। दोस्तों काफ़ी पॉइंट्स पे ये फिल्म काफ़ी सरियल हो जाती है जो एक्सपेक्टेड है। अगर पोकेमोन की दुनिया है तो चीज़ें नॉर्मल तो रहेंगी नहीं, काफ़ी सरियल होंगी और ऐसा ही होता है और ये देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है और काफ़ी ऐसा नहीं लगता कि ये जो सरियल हो रहा है ये आउट ऑफ द प्लेस हो रही है, ऐसा लगता है कि ये फिल्म और स्टोरी का और यूनिवर्स का पार्ट है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी बढ़िया की गई है, जिस तरह से लोकेशंस के शॉट डाले हैं, जिस तरह से बाकी शॉट्स डाले हैं छोटे वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो वो देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि इस फिल्म में ऑलरेडी काफ़ी नॉस्टैल्जिया है, तो जो थीम थी जो ओरिजिनल पोकेमोन थीम थी वही थीम को थोड़ा और मॉडिफाई करके थोड़ा मॉडर्न बना के यूज़ किया गया और ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। दोस्तों इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स हैं, काफ़ी रेफरेंसेस हैं, ये जो यूनिवर्स है पोकेमोन का जो उन्होंने बनाया है वो कंप्लीट होता है और ऐसा देख के लगता है कि अगर लोग ये ऐसी फिल्म बनाते रहे तो ये लोग एमसीयू जैसा एक फ्रेंचाइज खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इवन दो पोकेमोन असली नहीं है पर ये फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करती है। ये मैसेज ये है कि हम लोग जो जानवर हैं उनके साथ कैसे रहते हैं, उनका कैसा व्यवहार करते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे तो उनके मन में भी ये बात ज़रूर आएगी कि हमें अपने पेट्स को या अपने जानवरों को या बाकी जानवरों को और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस फिल्म के बारे में वो ये थी कि ये फिल्म बहुत छोटी है, तो ये फिल्म 1 घंटा 25 मिनट के आसपास है और मैं चाहता था कि ये फिल्म थोड़ी 2.5 घंटे की होती, थोड़ी और लंबी होती तो मेरे को देखने में थोड़ा और मज़ा आता। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मेरे को नहीं अच्छी लगी वो ये थी कि इस फिल्म की रिलीज़ की टाइमिंग, अगर ये फिल्म थोड़ा और बाद में आती तो शायद हम लोगों को और शोज देखने को मिलते, पर क्योंकि ये फिल्म उसी टाइम पे रिलीज़ हुई जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज़ हुई, सारे थिएटर्स जो हैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखा रहे हैं। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना पसंदीदा थिएटर ढूंढना पड़ेगा, तो क्योंकि ये फिल्म बच्चों के लिए बनी है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि थिएटर में शांति होगी और आप आराम से फिल्म इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी छोटे बच्चे होंगे जो या तो बोलते हैं अरे पापा ये कौन सा पोकेमोन है या फिर वो बोलेंगे
अरे पापा पिकाचू, या फिर वो रोएंगे या खाना मांगेंगे, तो आप ये मूवी शांति से नहीं देख सकते। चलिए दोस्तों आ जाते हैं रेटिंग पे। मैं इस फिल्म को ओवरऑल 4.5 स्टार्स दूंगा। म्यूजिक के लिए मैं इसको 4 स्टार्स दूंगा और सीजीआई के लिए मैं इसको 4.5 स्टार दूंगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि अगर आपने बचपन में एक भी एपिसोड देखा है कुकमॉन का, तो आप ये फिल्म देख के जरूर आइए, क्योंकि आपकी बचपन की मेमोरी सारी ताज़ा हो जाएंगी फिर से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।